उसको माननीय न्यायालय ने डिसमिस कर दिया और ये कहा है कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से, बफ एक्ट से, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से, ऑर्डर 23 रूल 3 से और लिमिटेशन एक्ट के बाधित और अगली तारीख 12 अगस्त, मतलब बाधित नहीं है, बाधित नहीं है, सुनवाई चलेगी और सुनवाई चलेगी और अगली तारीख 12 अगस्त लगाई है और शाहिद गाम मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस। अब उसके बाद सर्वे होगा नहीं होगा वो 12 तारीख से, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन की मांग। अच्छा, तो जो आपकी दलील थी उनको शाही ईदगाह मस्जिद, हाँ बिल्कुल, जो शाही ईदगाह मस्जिद का पॉइंट था कि ये सूट चलने लायक योग्य नहीं है क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ऑर्डर 23 रूल 3 लिमिटेशन से बाधित है, उसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और हमारी प्ली को माना है और ये कहा है कि जितने सूट्स हैं ये कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज करते हैं और साथ ही साथ अगली तारीख इलाहाबाद हाईकोर्ट में 12 अगस्त लगाई है और इन द मीन टाइम हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग। अच्छा, 12 के बाद जो 18 केस है फिर वो हाईकोर्ट में चलते रहेंगे? जी बिल्कुल, सारे केसेस हाईकोर्ट में चलेंगे और हाईकोर्ट ने यही होल्ड किया है कि ये सूट जो है किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ से बाधित नहीं है और चलेगा। उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और स्टे वेकेशन की मांग करें। तो हिंदू पक्ष एक बड़ी जॉब जीत के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, एक लीगल प्रक्रिया है, इसमें शहीद का मस्जिद की एप्लीकेशन डिसमिस हुई है और जो हमारा पॉइंट था कि ये केस लॉ से बाधित नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है, वफ एक्ट से बाधित नहीं है, आज वही बात ऑनरेबल हाईकोर्ट ने होल्ड की।